शिवपुरी जिले में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नरवर नगरीय क्षेत्र के आसपास जूद लखना तालाब, छोटा तालाब और दुबई तालाब में जल स्तर बढ़ गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि तालाबों के ऊपर से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे सड़कों और बेसमेंट में बनी दुकानों और गोदामों में पानी भर गया है। तहसीलदार, CMO और पुलिस प्रशासन ने हालत सुधारने के लिए मौके पर पहुंचे। रास्तों में आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। जल भराव का कारण तालाबों के आसपास हुआ अवैध निर्माण है। तालाब का पानी निकलने से एक किसान की 5 बीघा धान भी नष्ट हो गई है। जो है रोड काट दिया है, इनने पुलिया नहीं छोड़ी इनने। और दूसरी बात क्या, पूरा प्रशासन था जहाँ, तहसीलदार जी तहसीलदार से और वो पुलिस वाले थे और नगर पंचायत वाले थे, इनने रोड काट दिया। मशीन से क्यों काटी है? पानी निकालने के लिए, मतलब ज्यादा पानी कम निकल रहा था, इनने ज्यादा तेजी से निकाल दिया, दुकानों में पानी भर गया है। वर्षा हो रही है उसके कारण से पानी के निकासी के माध्यम से एक तरह जल भराव की समस्या ना आए, इसके लिए विभिन्न मार्गों से उसको निकाला जा रहा, तो इसके माध्यम से लोग उसका संतुलन बना रहा है। बिल्कुल की जाएगी कार्रवाई और इसी तरह अपन फोर्सफुली काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या। पानी ज़्यादा बरस गया है, पानी निकासी की व्यवस्था है पहले से, पूरी पुलिया चालू है, लेकिन पानी ज़्यादा बरस रहा है, उसकी वजह से कट लगानी पड़ती है, पानी निकालने ज़्यादा पानी बरस रहा है, आप भी देख रहे हो।